तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक दूसरी वीडियो लेकर, क्योंकि हर टीम की वीडियो मैं आप लोगों को बना रहा हूँ, हर टीम का कंपेयर करके मैं एक दूसरे के साथ आप लोगों के सामने लाता हूँ, ताकि आप लोगों को एहसास हो जाए, पता चल जाए कि भाई किस टीम में कितना दम है, जब टीमें मैदान पर आए तो किस टीम के अंदर कितनी ताकत है, ये आप लोगों को एहसास हो जाए। लगातार वीडियोज मैं आप लोगों को बना रहा हूँ आईपीएल 2023 से पहले, ऑक्शन के बाद जब टीमें बदल जाएंगी, जब टीमें अपने अपने खिलाड़ियों को खरीद लेंगी, तो एक बार दोबारा से इस सीरीज को शुरू करेंगे। ऑक्शन के बाद पूरी टीम हो जाएगी तब एक बार दोबारा से हर टीम की वीडियो बनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार जांच लेते हैं कि ऑक्शन में किस टीम को क्या जरूरत है, कहां पर कौन सी टीम कमजोर है। तो मैं लगातार बताऊं, अब मैं करूंगा केकेआर, सीएसके और एसआरएच, केकेआर, सीएसके और एसआरएच, इन तीनों टीमों में किस टीम के पास कितनी ताकत है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। केकेआर का वही जो मैं हमेशा बताता हूं, गुरबाज, नीतीश राणा, श्रेयस अय्यर, रिंकू, वेंकटेश अय्यर, रसल, नरेन ठाकुर, उमेश, फर्गुसन, वरुण चक्रवर्ती। सीएसके में कौन बिल्कुल शानदार खिलाड़ी काम कर रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़, भाई तबाही मचा रहा है ये खिलाड़ी, इस खिलाड़ी ने जितनी तबाही मचा दी है उतना डोमेस्टिक क्रिकेट में इस बार 2022 के सीजन में किसी ने बढ़िया नहीं खेला, सबसे बेहतर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़। उसके बाद में रायडू, मोइन अली, दुबे, जडेजा, धोनी, दीपक, वापस आ रहे हैं बार मुकेश चौधरी, प्रिटोरियस और महेश तीक्ष्णा, ये टीम हो सकती है सीएसके की, लगभग यही टीम रहेगी। उसके बाद में एसआरएच की, अभिषेक त्रिपाठी, मार्करम, ग्लेन फिलिपी, 5 और 6 दो नंबर पर इनको खिलाड़ी की जरूरत है, ऑक्शन में इसको काम करना पड़ेगा, दो नंबर पर खिलाड़ी की जरूरत है, क्योंकि वो ऑलराउंडर इनके पास नहीं है, वो मध्यम आखिर में आकर फिनिशर इनके पास नहीं है, तो ये दो खिलाड़ी इनको खोजने पड़ेंगे, वरना एसआरएच बहुत कमजोर नजर आएगी, ऊपरी क्रम पर अच्छे, निचले क्रम पर अच्छे, लेकिन बीच में टूट गई है कमर, तो इसीलिए एसआरएच को अपनी कमर को जोड़ने के थोड़ा सा बादाम घी दूध पीना पड़ेगा, मतलब अच्छे खिलाड़ियों को लेना पड़ेगा। उसके बाद में सुंदर, भुवि, नटराजन, जेनसन और उमरान मलिक, मतलब तेज गेंदबाजी के तौर पर एक खतरनाक मिसाइल है इस टीम के पास, लेकिन वो वाली मिसाइल नहीं है जो जरूरत है इसको। अब कंपेयर करते हैं कि किस टीम को कहां पर क्या क्या जरूरत है और कौन सी टीम कहां पर कैसी मजबूत है। चलिए ओपनर के तौर पर जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बता देता हूं, वहीं से शुरुआत करते हैं। यहां पर अभिषेक त्रिपाठी, गायकवाड़, गुरबाज, नो डाउट बहुत शानदार तरीके से सीएसके का ओपनर काम कर रहे हैं भाई, नंबर एक पर सीएसके के ओपनर। अगर आईपीएल 2022 की मैं बात करूं तो केवल राजस्थान के ओपनर्स को छोड़ दे, अगर जोस बटलर और मतलब दोनों अच्छे हैं, पर्रिकल भी और यशस्वी जायसवाल भी, उन्होंने भी रन बनाए हैं, लेकिन राजस्थान के ओपनर्स को अगर छोड़ दे तो सीएसके के ओपनर सबसे खतरनाक फॉर्म में है, शानदार बल्लेबाजी गायकवाड़ भी कर रहे हैं और डेविन कॉनवे भी कर रहे हैं, तो नंबर एक पर ये रहेगी। उसके बाद में मैं देखिए नंबर दो पर यहां गुरबाज वाली ओपनर को रखूं, क्योंकि गुरबाज भी भाई कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, 160-170-200 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं, आते ही चौके छक्के मारने शुरू कर देते हैं, केकेआर को बहुत शानदार शुरुआत दे सकते हैं गुरबाज इस बार, मतलब तख्ता पलट वाली बल्लेबाजी गुरबाज कर सकते हैं अगर उनको मौका दिया गया, पिछली बार गुजरात ने मौका नहीं दिया गया था, पूरे सीजन लगातार फैंस कहते रहे गुरबाज को खिलाओ, लेकिन इस बार मुझे केकेआर से उम्मीद है कि केकेआर गुरबाज को सारे मैचेस खिलाएगी। अभिषेक शर्मा, एसआरएच और त्रिपाठी की भी जोड़ी बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, दोनों ने बहुत अच्छे खिलाड़ी दोनों हैं, अभिषेक शर्मा की कुछ अच्छी पारियां आई हैं, लेकिन सबसे पहले नंबर पर मैं सीएसके रखूंगा, दूसरे नंबर पर मैं केकेआर को रखूंगा, हालांकि कमजोर ये भी नहीं है, आप ये मत सोचना कि ये कमजोर है, लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब से देखूं तो ये नंबर एक सीएसके। अब बात आते हैं नंबर तीन की, यहां पर श्रेयस अय्यर है, यहां पर रायडू है, यहां पर मार्करम है, मुझे श्रेयस अय्यर ऊपर रखते हैं, नंबर दो पर मार्करम, रायडू तीसरे नंबर पर, रायडू का मुझे देखिए सीएसके अगर कमजोर मुझे नजर आ रही है 2023 में तो नंबर तीन पर बहुत कमजोर नजर आ रही है, नंबर तीन पर इनके पास कोई अच्छा खिलाड़ी मुझे नजर नहीं आ रहा है, सीएसके को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, नंबर तीन के लिए थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा, अपने जगदीशन को वापस खरीद लीजिए यार, जगदीशन ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी डोमेस्टिक क्रिकेट में 2022 में की है, तो जगदीशन को वापस ले लो, नंबर तीन पर खिला लो, वो वैसे भी ऊपरी क्रम पर खेलते हैं, तो सीएसके को यह काम करना पड़ेगा, यह चीज सोचनी पड़ेगी सीएसके को कि भाई नंबर तीन पर आपके पास भरोसेमंद खिलाड़ी नहीं है, रायडू अब वो रंग में नजर नहीं आते, इसलिए नंबर तीन पर सीएसके को अगर बेहतर करना है तो भाई अच्छे खिलाड़ी को लेना पड़ेगा, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा, नंबर तीन बहुत अहम सिचुएशन होती है। मार्करम अच्छे खिलाड़ी जरूर है यहां पर, लेकिन श्रेयस अय्यर इन फॉर्म है, बढ़िया तरीके से रन भी बना रहे हैं, तो यहां पर नंबर एक पर मैं श्रेयस अय्यर को रखूंगा, नंबर दो पर, नंबर तीन पर रायडू। अब नंबर चार की पोजीशन, रिंकू सिंह, मोइन अली को मैंने यहां पर रखा है और ग्लेन फिलिपी। देखिए मोइन अली को मैं इसलिए चाहता हूं क्योंकि अच्छे खिलाड़ी हैं और इस वक्त मतलब एक्टिव खिलाड़ी है और खेल भी रहे हैं, गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों से बढ़िया कर सकते हैं, तो उनके पास वो काबिलियत है, T10 में भी कुछ अच्छी पारियां खेली हैं, तो मैं चाहता हूं कि मोइन अली को नंबर चार पर खिलाएं। देखिए T20 है, गेंद निकलती चली जाती है, ओवर निकलते चले जाते हैं, तो आपका जो सबसे
बेहतर खिलाड़ी है वो ऊपर खेलना चाहिए, उसको नीचे खिलाकर कोई फायदा मुझे नजर नहीं आता। तो मोइन अली को नंबर 4 पर खिलाओ यार, ये आपके लिए बहुत अच्छा कर सकता है, बहुत बढ़िया रन बना सकता है, इसलिए नंबर 4 पर मोइन अली। लेकिन अगर मैं नंबर 4 के इन तीनों खिलाड़ियों को कंपेयर करूं, रिंकू, मोइन अली और ग्लेन फिलिपी, देखिए रिंकू ने 2022 में बहुत रन बनाए हैं, बहुत रन बनाए यूपी के लिए, उसके बाद में मोइन अली ने बहुत अच्छे रन बनाए हैं, ग्लेन फिलिपिस ने तो शतक ही लगा दिया है वर्ल्ड कप में। तो यार तीनों बल्लेबाजों को मैं बराबर रखूंगा, देखिए किसी को मैं कम नहीं रखूंगा क्योंकि रन तीनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से निकले हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे ग्लेन फिलिपिस थोड़े से ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे हैं यार। ये खिलाड़ी जो है ना, ये अपने दम पर 25-30 गेंदों पर ही 70-80-90 रन की पारी खेलने वाला बल्लेबाज है, तो और बड़ी पारी भी खेलना जानता है क्योंकि लगातार न्यूजीलैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, तो समझ है उतनी। तो ग्लेन फिलिपिस मुझे बहुत खतरनाक नजर आ रहे हैं एसआरएच के बल्लेबाज है नंबर 4 पर। अब बात है नंबर 5, वेंकटेश अय्यर, यहाँ पर दुबे और इसके पास नहीं है, एसआरएच के पास नंबर 5 वाला खिलाड़ी अभी नहीं है, एसआरएच को लेना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी नंबर 5 के खिलाड़ी को। लेकिन वेंकटेश अय्यर और शिवम दुबे दोनों उसी तरीके के खिलाड़ी हैं मेरे भाई, मतलब भरोसा नहीं कर सकते, दोनों तेज गति के ऑलराउंडर भी हैं, दोनों ही मतलब मिले जुले वाले खिलाड़ी, तो यहाँ पर भी मैं दोनों को मिक्स ही रखूंगा, किसी को ऊपर नीचे नहीं रखूंगा। एसआरएच के पास तो मुझे नंबर 5 का खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा, अब्दुल समद जरूर है, लेकिन अब्दुल समद का नाम लिखने से भी क्या फायदा है, लिख देते हैं चलो, अब्दुल का नाम लिखने से भी क्या फायदा, वो तो बाहर बैठने वाले हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर उतना टैलेंट है कि वो लगातार हर मैच में खेलेंगे, तो इसीलिए एसआरएच को काम करना पड़ेगा नंबर 5 के खिलाड़ी के लिए। और ये दोनों टीमें जो है उसी तरीके की, मैं तो बोलता हूं कि केकेआर को भी वेंकटेश अय्यर का कोई रिप्लेसमेंट खोजना चाहिए, वरना वेंकटेश अय्यर केकेआर के लिए कमजोरी बन सकते हैं। उसके बाद में नंबर 6, रसेल, जडेजा और इनके पास नंबर 6 का कोई खिलाड़ी नहीं है एसआरएच के पास, कोई ऐसा ऑलराउंडर जो तेज गति वाला ऑलराउंडर हो वो नंबर 6 पर खेले तो काम बन जाएगा, इनके पास वो ऑलराउंडर और वो फिनिशर वो नहीं है खिलाड़ी, तो यहां पर एसआरएच को काम करना पड़ेगा। लेकिन रसल और जडेजा नंबर 6 पर, सीएसके में जडेजा है, जडेजा की फॉर्म उस तरीके की नहीं रही है, जडेजा की फॉर्म उस तरीके की नहीं रही है, फिटनेस उस तरीके की नहीं रही है, तो यहां पर थोड़ा सा स्ट्रगल सीएसके को करना पड़ेगा, अगर फॉर्म में आ जाए तो सीएसके के लिए वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है अगर जडेजा अच्छा खेलते हैं। लेकिन रसल मुझे ऊपर नजर आ रहे हैं नंबर 6 पर, रसल की जो फॉर्म है ना भाई वो कमाल की है, वो T10 में जो फॉलो कर रहा हूँ T10 में कमाल की गेंदबाजी भी कर रहे हैं, बल्लेबाजी भी कर रहे हैं और ऊपरी क्रम पर खेल रहे हैं, सबसे बड़ी बात है मैंने तो यहाँ पर नंबर 6 पर रखा है, रसल तो वहाँ 3-4 नंबर पर खेल रहे हैं, तो यहाँ पर ये रसल की पावर है, रसल की ताकत को हर कोई जानता है, तो इसीलिए रसल भाई खतरनाक साबित होंगे इस बार मतलब KKR के लिए एक सबसे बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं, हालांकि हर बार सीजन में वो KKR के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन इस बार फॉर्म में है, गेंदबाजी भी अच्छी कर रहे, बल्लेबाजी भी अच्छी कर रहे हैं, जडेजा से उम्मीद लगाई जा सकती है। एसआरएच को काम करना पड़ेगा नंबर 6 पर, नंबर 6 का खिलाड़ी भी एसआरएच के पास नहीं है, वो फिनिशर वाला खिलाड़ी इनके पास नहीं, तो वो थोड़ा सा खोजना पड़ेगा, हालांकि सबसे ज्यादा पैसा है पर्स में एसआरएच के पास, जब मिनी ऑक्शन में जाएंगे तो बल्ले बल्ले होगी एसआरएच की, लेकिन क्या अच्छी बिडिंग कर पाएगी काव्या मारन, यह देखने वाली बात होगी। अब है नंबर 7 की बात, नरेन, धोनी, सुंदर, देखिए धोनी का कंपेयर मैं किससे नहीं करूंगा, बेशक नंबर 7 पर मैं किसी का कंपेयर, धोनी का कंपेयर वो लीजेंड है, उनका कंपेयर किसी खिलाड़ी से करना गलत है, बेईमानी है। अब यहां पर कंपेयर करते हैं नरेन और सुंदर, तो जाहिर तौर पर नो डाउट सुंदर मेरे भाई, गेंदबाजी और बल्लेबाजी कमाल की कर रहे हैं मेरे भाई, धुआंधार तरीके से कर रहे हैं, तो वास्तव में सुंदर भाई बल्लेबाजी और गेंदबाजी, टीम इंडिया के लिए दो अच्छी पारियां खेली, गेंदबाजी अच्छी की, जबकि नरेन के बल्ले से रन नहीं निकल रहे, गेंदबाजी तो अच्छी कर रहे हैं लेकिन बल्ले से रन नहीं निकल रहे, तो यहां पर मैं सुंदर को ऊपर रखूंगा, और मैं नहीं भाई आप भी बोलेंगे कि हां सुंदर इस वक्त अच्छी, देखिए मैं फॉर्म और फिटनेस दोनों पर बात करके तब आप लोगों को बताता हूं, तो मुझे लग रहा है कि सुंदर थोड़ा सा ऊपर पलड़ा भारी है थोड़ा सा, क्योंकि नरेन के बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं, गेंदबाजी भी विकेट नहीं चटका पा रही, किफायती जरूर साबित है लेकिन विकेट, वो गेंद जो पहले घूमती थी ना वो एक्शन बदलने के बाद वो घूम नहीं रही है, बस यहां पर प्रॉब्लम है सुनील नरेन के पास, बल्कि सुंदर अच्छी कर रहे हैं। अब आता है नंबर 8, शार्दुल ठाकुर, उसके बाद में दीपक चहर और भुवी, ये टक्कर बड़ी जबरदस्त है यार, क्योंकि तीनों ही जो है ना, तीनों ही एक ही तरीके के गेंदबाज हैं, तीनों ही शुरुआत में स्विंग करते हैं, तीनों ही 130-135 की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं और तीनों ही थोड़ी थोड़ी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, भुवनेश्वर कुमार भी कर लेते हैं, दीपक चहर तो खैर दिखा चुके हैं, शार्दुल ठाकुर भी दिखा चुके हैं, तो ये नंबर 8 की जो लड़ाई है तीनों टीमों की, ये बड़ी दिलचस्प है। लेकिन अगर तजुर्बे की बात करूं, तजुर्बा वो भुवनेश्वर कुमार के पास है, काबिलियत की बात करूं तो दीपक चहर के पास है, नाम इस वक्त जो है शार्दुल ठाकुर का बहुत चल रहा है, तीनों की अलग अलग बात है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि शायद
शायद देखिए दीपक चाहर ने गेंदबाजी नहीं की है बहुत दिनों से, वो 2022 से ही जैसे बाहर रहे थे जब से चोटिल थे तब से उन्होंने उनको ज्यादा मौके नहीं मिले और तब से ज्यादा गेंदबाजी उन्होंने की भी नहीं है। अब इनका रिदम कैसा रहेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने विकेट चटकाए, शुरुआत में गेंदबाजी अच्छी की है, टीम इंडिया के साथ लगातार रहे हैं। शार्दुल ठाकुर की अगर मैं बात करूं तो शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी तो अच्छी करते हैं, विकेट टेकर हैं, पार्टनरशिप ब्रेकर हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि महंगे बहुत साबित हो जाते हैं। बस यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। महंगा तो खैर भुवनेश्वर कुमार के साथ भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, एशिया कप की बात कर लीजिए, T20 विश्व कप की बात कर लीजिए, कुछ ऐसे मौके आए हैं, लेकिन तजुर्बा बहुत है भुवी के पास। लेकिन मैं यहां पर रखूंगा शार्दुल ठाकुर को ऊपर थोड़ा सा, क्योंकि वो गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। मैं दीपक चाहर को भी रख सकता था, लेकिन दीपक चाहर का क्या है ना, अभी टेस्ट होगा, वो कैसी गेंदबाजी करेंगे, कैसी नहीं करेंगे, कैसी फॉर्म आएगी, लाइन लेंथ कैसी रखेंगे, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन शार्दुल को हमने देख लिया है बस यहां पर, बाकी दूसरे नंबर पर भुवी को, तीसरे पर शार्दुल को, उसके बाद में नंबर 9 पर उमेश यादव, मुकेश चौधरी, नटराजन। देखिए तीनों की अलग अलग खासियत है, तीनों की अलग खासियत है। उमेश यादव थोड़ा सा शुरुआत में गेंद को स्विंग करवाने की महारत रखते हैं, रफ्तार थोड़ी सी उनके पास है। मुकेश चौधरी जो है ना, वो गेंद को स्विंग करवाते हैं, आके आगे टप्पा डाल के वो बल्लेबाज को परेशान करते हैं। हमने 2022 में मुंबई के खिलाफ जो उनके कहर बरपाती हुई गेंदबाजी थी वो देखी थी। नटराजन यॉर्कर किंग है, शुरुआत में करवा लीजिए या बाद के ओवर्स में गेंदबाजी करवा लीजिए, उनके पास काबिलियत है। तो यहां पर मैं नटराजन को ऊपर रखूंगा। देखिए नटराजन, आप हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग मेरी बात से इत्तेफाक ना रखें कि भाई नटराजन को क्यों ऊपर रख दिया तीनों गेंदबाजों में, लेकिन भाई मैं उस खिलाड़ी को बड़ा मानता हूं जो खिलाड़ी किसी भी कंडीशन में गेंदबाजी करने की ताकत रखता हो। नटराजन के पास पावर प्ले में शुरुआत में गेंदबाजी करवा लीजिए, बीच के ओवर्स में करवा लीजिए, डेथ ओवर में गेंदबाजी करवा लीजिए, इस गेंदबाज के पास वो काबिलियत है। सबसे बड़ी बात क्या है, इस गेंदबाज के पास सटीक यॉर्कर है, वो जो टप्पा है ना, वो जो पैरों में के बीच में टप्पा लगना चाहिए वो नटराजन के पास काबिलियत है। इसलिए नटराजन मुझे थोड़े से ज्यादा इफेक्टिव नजर आते हैं, ज्यादा विकेट टेकर मुझे नजर आते हैं, डेथ ओवर्स में ज्यादा परेशान बल्लेबाजों को करते हैं नटराजन, ये रीजन है। हालांकि मुकेश चौधरी ने करके दिखाया है, उमेश यादव डेथ ओवर में नहीं गेंदबाजी कर पाते हैं, शुरुआत में जरूर कर लेते हैं, डेथ ओवर में थोड़ी सी पिटाई खा जाते हैं। तो यहां पर नटराजन को मैं ऊपर रखूंगा एसआरएच के गेंदबाज। अब बात आती है नंबर 10 की, यहां पर फर्गुसन है, प्रिटोरियस है और मार्को जेंसन, तीनों विदेशी खिलाड़ी हैं, तीनों विदेशी खिलाड़ी हैं। नो डाउट मार्को जेंसन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, आप 2022 की बात कर लीजिए, उसके बाद में आप अफ्रीका के लिए बात कर लीजिए, तमाम उन्होंने जो मैचेस खेले हैं उसमें उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की है। नौजवान खिलाड़ी है, रफ्तार पास है, उछाल उनको मिलता है, कमाल की गेंदबाजी करते हैं, विकेट टेकर हैं। प्रिटोरियस, हम प्रिटोरियस के पास एक खासियत है, प्रिटोरियस डेथ ओवर के अच्छे गेंदबाज हैं, उनके पास वेरिएशंस बहुत हैं, बहुत अच्छी स्लोअर्स उनके पास है, बहुत अच्छे वो बैट ऑफ द हैंड गेंदबाजी कर लेते हैं। लेकिन फर्गुसन जो है ना, ये थोड़ा सा मुझे ऊपर पड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि फर्गुसन शुरुआत में गेंदबाजी करवा लीजिए, आखिरी में गेंदबाजी करवा लीजिए, रफ्तार उनके पास है, विकेट वो चटकाते हैं, हार्ड लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाज को परेशान करते हैं, बाउंसर उनके पास बहुत सटीक रफ्तार वाली बाउंसर है, अच्छी यॉर्कर भी मार लेते हैं। तो यहां पर फर्गुसन विकेट चटका रहे हैं, सबसे बड़ी बात क्या है, इनफॉर्म है, ये फर्गुसन की ताकत है। तो यहां पर मैं फर्गुसन को ऊपर रखूंगा, दूसरे नंबर पर मैं जेंसन को रखूंगा। हालांकि मैं जेंसन और फर्गुसन को दोनों को बराबर रखना चाहता था, लेकिन क्योंकि हाल की फॉर्म फर्गुसन की बहुत अच्छी है, इसलिए फर्गुसन को ऊपर, नंबर 2 पर जेंसन को रखूंगा और नंबर 3 पर प्रिटोरियस को रखूंगा। अब बात आती है नंबर 11वें खिलाड़ी की, वरुण चक्रवर्ती, महेश तीक्ष्णा और उमरान मलिक। देखिए क्योंकि एसआरएच के पास स्पिनर्स की फौज नहीं है, वहां पर रफ्तार के गेंदबाजों की फौज है पूरी, जबकि वरुण चक्रवर्ती और तीक्ष्णा स्पिनर हैं। देखिए अब तीनों खिलाड़ियों की अलग अलग ताकत है, वरुण चक्रवर्ती की तो खैर बात ही गलत है, क्योंकि वो उस तरीके के गेंदबाज मुझे नजर ही नहीं आते हैं जो 2021 में नजर आए थे, 2022 में भी मुझे वो नजर नहीं आई। महेश तीक्ष्णा अपनी स्पिन से परेशान करते हैं, शुरुआत में गेंदबाजी करते हैं, बड़े से बल्लेबाज को चकमा देते हैं, जो वेरिएशंस उनके पास है वो विकेट टेकर गेंदबाज हैं, नो डाउट। महेश तीक्ष्णा स्पिनर के तौर पर सीएसके के लिए बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट साबित होंगे, और श्रीलंका के लिए उन्होंने किया है ये काम, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, उन्होंने एशिया कप और वर्ल्ड कप में श्रीलंका के लिए किया है, परेशान लगातार बड़े से बड़े बल्लेबाज को कर रहे हैं, विकेट ले रहे हैं। तो महेश तीक्ष्णा और उमरान मलिक ने 2022 में कमाल की गेंदबाजी की, अपनी रफ्तार से सबको परेशान किया, उसके बाद में जब टीम इंडिया में आए और पहला वनडे खेला तो पहले वनडे में ही न्यूजीलैंड के खिलाफ दो बड़े विकेट ले लिए। तो उमरान मलिक के पास भी विकेट टेकिंग एबिलिटी है, 2022 में उन्होंने विकेट चटकाए भी थे और महेश तीक्ष्णा ने भी विकेट चटकाए हैं। तो देखिए बेशक एक स्पिनर एक तेज गेंदबाज हो, लेकिन विकेट चटकाने के मामले में जब बात आती है तो दोनों को मैं रखूंगा, हालांकि थोड़ा सा मैं मार्जिन महेश तीक्ष्णा को दूंगा, क्योंकि तीक्ष्णा के पास थोड़ा सा तजुर्बा है, उमरान मलिक को भी थोड़ा सा सीख
देखना है। हर मैच में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये भी थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एसआरएच हर मैच में खिलाएगी उमरान मलिक को, जिस तरीके का उनका स्टेटस बन चुका है। लेकिन महेश तीक्ष्णा भाई बहुत बड़े एक्सपेक्टर साबित हो सकते हैं सीएसके के लिए 2023 में, वास्तव में, क्योंकि वो पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाज को परेशान करते हैं, बीच के ओवर्स में परेशान करते हैं, उनसे आखिरी के ओवर्स में करवा लीजिए वो वहां भी आपको गेंदबाजी करके देंगे और महंगे साबित बिल्कुल नहीं होंगे। उनके गेंदबाजी के खिलाफ रन बनाना बड़ा मुश्किल है, दूसरे राशिद खान है, तो इसीलिए तीक्ष्णा का पलड़ा थोड़ा सा मैं भारी रखूंगा, वो भी तजुर्बे के हिसाब से, क्योंकि वो बड़े स्पिनर है, और उमरान मलिक को भी मैं रखूंगा, ऐसी बात नहीं है, उमरान मलिक भी काबिल गेंदबाज है। तो ये तीनों टीमों की मैंने कंपेयर किया, हर नंबर को कंपेयर किया, अब ऊपरी से नीचे तक कंपेयर एक बार कर लेते हैं। जो टॉप फोर को कंपेयर हम करते हैं, टॉप फोर एसआरएच के पास अभिषेक त्रिपाठी, मार्करम गिलेस्पी मतलब फिलिप्स, उसके बाद में सीएसके कोनवे, गायकवाड़, रायडू और मोइन अली, उसके बाद में अगर मैं केकेआर की बात करूं, गुरबाज, राणा, अय्यर और रिंकू। देखिए यहां पर अगर कागजों की बात करेंगे, नाम बड़े तो बात क्या है, वो एसआरएच के पास आपको बहुत बड़े बड़े नाम होंगे, अभिषेक है, त्रिपाठी है, मार्करम, ग्लेन फिलिपी, तो ये चारों बड़े खिलाड़ी हैं मेरे भाई। केकेआर के पास गुरबाज, राणा, श्रेयस अय्यर, रिंकू, ये नाम इनमें से दो तीन के नए हैं लेकिन काम बहुत बड़े बड़े किए हैं। सीएसके के पास कोनवे, गायकवाड़, रायडू, मोइन अली। देखिए यहां पर जो है ना, नाम सीएसके के पास तो सबसे बड़े हैं, कोनवे बहुत बड़ा नाम है वर्ल्ड क्रिकेट में, गायकवाड़ डोमेस्टिक क्रिकेट में इस वक्त कमाल कर रहे हैं, रायडू भारतीय क्रिकेट के बहुत बड़े नाम रहे हैं, मोइन अली इंग्लैंड के बहुत बड़े नाम रहे हैं, तो तीनों टीमों का टॉप ऑर्डर मुझे मजबूत नजर आ रहा है, तीनों टीमों का टॉप ऑर्डर मजबूत नजर आ रहा है, लेकिन सीएसके नंबर तीन पर रायडू के साथ बहुत मुझे कमजोर नजर आ रही है, मुझे भरोसा नहीं है कि रायडू उस तरीके की बल्लेबाजी कर पाएंगे। तो यहां पर नंबर तीन पर सीएसके मुझे कमजोर नजर आ रही है, और ये मुझे ठीक है, ये मुझे एसआरएच मुझे टॉप ऑर्डर जो है थोड़ा सा कंफर्टेबल नजर आ रहा है, थोड़ा सा मजबूत सही नजर आ रहा है, तजुर्बा भी है, तेज भी खेलते हैं और चारों बल्लेबाज अच्छी फॉर्म में भी है, रन भी बना रहे हैं। अब बात केकेआर की कर लेते हैं, गुरबाज तेज गति के रन बना रहे हैं, फॉर्म में रन बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि रन बना रहे हैं, राणा भी अच्छे खिलाड़ी हैं, श्रेयस अय्यर लगातार रन बना रहे हैं और रिंकू सिंह रन बना रहे हैं, तो टॉप ऑर्डर देखिए मैं किसी टीम के टॉप ऑर्डर को कमजोर नहीं बताऊंगा, तीनों टीमों का टॉप ऑर्डर अच्छा है, तीनों टीमों का टॉप ऑर्डर मजबूत है अपने अपने हिसाब से। कोनवे जहां थोड़ा संभल कर खेलते हैं, गायकवाड़ रेल बनाने के लिए जाने जा रहे हैं, लगातार 7 छक्का जो खिलाड़ी लगा चुका हो वो यार और क्या करेगा, तो यहां पर दोनों खिलाड़ी धुआंधार है, मोइन अली भी, तो इसलिए तीनों टीमों का टॉप ऑर्डर मुझे मजबूत और आक्रामक नजर आ रहा है, तीनों टीमों का टॉप ऑर्डर मुझे मजबूत और आक्रामक नजर आ रहा है, इसीलिए मैं बता रहा हूं 2023 बहुत कमाल का होने वाला है, आईपीएल 2023 में एक अलग रंग नजर आएगा, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं, मैचेस एक तरफा नहीं होंगे, मैचेस बड़े टक्कर वाले 2023 में होने वाले हैं, क्योंकि जो पिछली बार आपने देखा होगा सीएसके की ओपनिंग ऑर्डर नहीं चल रहा था, जब तक रविंद्र जडेजा कप्तान थे तब तक गायकवाड़ और कोनवे के बल्ले से रन निकल ही नहीं रहे थे, लेकिन जैसे धोनी कप्तान बने दोनों का रंग बदल गया और इस वक्त तो बहुत कमाल की फॉर्म में है, तो सीएसके भी इस बार वो कमजोर टीम नजर नहीं आ रही है, एक मजबूत टीम नजर आ रही है सीएसके भी, दोनों की वजह से, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं, और केकेआर भी कोई कमजोर नजर नहीं आएगी, क्योंकि पिछली बार जो केकेआर का ओपनिंग स्लॉट बहुत कमजोर था, ओपनिंग में 4-5 बल्लेबाजों को बदल दिया, ओपनर चल ही नहीं पा रहे थे, तो वहां पर अब गुरबाज के आने से ओपनिंग भी बहुत स्टेबल और मजबूत नजर आएगी केकेआर की, यह भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। एसआरएच के भी अभिषेक और त्रिपाठी ने अगर ओपनिंग की तो ये भी बहुत मजबूत ओपनिंग जोड़ी नजर आएगी, तो इस बार आईपीएल 2023 में टीमें कमजोर मत समझना, सभी टीमें एक अपनी अपनी ताकत को लेकर जा रही हैं। अब बात आती है मध्यम क्रम में केकेआर के लिए वेंकटेश है, रसल और नारायण है, यहां पर दुबे, जडेजा, धोनी है, यहां पर कोई है ही नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मध्यम क्रम में थोड़ा सा मुझे केकेआर मजबूत नजर आए, क्योंकि रसल उनके पास एक अच्छे फॉर्म वाले खिलाड़ी हैं, जबकि सीएसके के पास दुबे, जडेजा, धोनी मुझे भरोसा नहीं है कि ये उस तरीके का काम कर पाएंगे, 2022 में भी नहीं कर पाए थे, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा केकेआर मध्यम क्रम ऊपर नजर आ रहा है। एसआरएच को काम करना पड़ेगा, एसआरएच के मध्यम क्रम को काम करना पड़ेगा, पांचवें, छठे, सातवें नंबर पर काम करना पड़ेगा एसआरएच को। अब बात आती है तेज गेंदबाजी में, देखिए तेज गेंदबाजी में इनके पास रसल है, ठाकुर है, उमेश है, फर्गुसन है, चार प्रॉपर तेज गेंदबाज हैं, इनके पास भोवी है, नटराजन है, जेनसन है, उमरान मलिक है, तो देखिए रफ्तार की अगर मैं बात करूं तो भाई नो डाउट
एसआरएच बहुत ऊपर है, रफ्तार के मामले में वास्तव में एसआरएच बहुत ऊपर है, क्योंकि इनके पास विकेट टेकर भी है। आप जहां पर फर्गुसन की बात करें तो इनके पास जेनसन है, जेनसन विकेट टेकर है, नो डाउट जेनसन विकेट टेकर है। मैं अभी भी मानता हूं कि जेनसन वास्तव में बहुत होनहार खिलाड़ी है। नटराजन विकेट टेकर है, उमरान मलिक विकेट ले रहे हैं, भुवनेश्वर कुमार शुरुआत में परेशान करते हैं, तो चारों गेंदबाज विकेट टेकर है इनके पास। जबकि केकेआर के पास भी चारों गेंदबाज विकेट टेकर है, फर्गुसन भी आपके लिए विकेट लेंगे, उमेश भी, ठाकुर भी, रसल भी विकेट ले रहे हैं, आखिरी के और डेथ ओवर्स में रसल भी विकेट ले रहे हैं, शुरुआत में भी, बीच के ओवर्स में भी, उनको कहीं गेंदबाजी करवा दीजिए, वो बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। तो इसलिए गेंदबाजी में थोड़ा सा मैं थोड़ा सा मार्जिन एसआरएच को दूंगा, वो भी थोड़ा सा इसलिए क्योंकि रफ्तार वाले गेंदबाज इनके पास है, बाकी इनके पास भी फर्गुसन है नो डाउट, लेकिन उसके बावजूद मैं थोड़ा सा मार्जिन इनको दूंगा क्योंकि इनके पास नटराजन, जेनसन जैसे खिलाड़ी भी हैं, मतलब तीनों चारों गेंदबाज जो ना एक ही श्रेणी के लगभग है विकेट लेने के मामले में, तो इसीलिए थोड़ा सा मार्जिन दूंगा। बल्कि केकेआर के पास भी अच्छे गेंदबाज है, थोड़ा सा मैं इनको दूंगा, बल्कि एसआरएच को मैं तीसरे नंबर पर रखूंगा, सीएसके को मैं तीसरे नंबर पर रखूंगा, क्योंकि सीएसके पास दीपक है, मुकेश है, प्रिटोरियस है, तो मतलब इनको अभी साबित करना है, अब वो वाली बात नहीं है कि हाँ भाई एकदम ही आप भरोसा जता सकते हो। अब बात करते हैं स्पिनर्स की, स्पिनर्स में इनके पास नरेन है, इसके पास है, इसके पास सुंदर है, तो मुझे ऐसा लगता है मार्करम भी स्पिन कर लेते हैं और विकेट भी ले रहे हैं, हमने 2022 में बहुत मार्करम को गेंदबाजी करते हुए देखा है। तो मेरे हिसाब से भाई सीएसके, मुझे स्पिन के डिपार्टमेंट में सीएसके मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि तीक्ष्ण जैसा गेंदबाज है, जडेजा जैसा गेंदबाज है, मोइन अली जैसा गेंदबाज इनके पास है, तो तीन बड़े विकेट टेकिंग ऑप्शन है सीएसके के पास स्पिन डिपार्टमेंट में, तो स्पिन डिपार्टमेंट में वास्तव में नो डाउट सीएसके मजबूत है, नो डाउट तीनों टीमों में सीएसके सबसे मजबूत है स्पिन डिपार्टमेंट के मामले में। तो ये तीनों टीमों का कंपेयर मैंने किया है, कोशिश की है कि फॉर्म और फिटनेस के हिसाब से मैं आप लोगों को ये कंपेयर करके बताऊं, और हमेशा मैं फॉर्म और फिटनेस के हिसाब से ही नाम पर नहीं जाता हूं, मैं काम के हिसाब से आप लोगों को कंपेयर करता हूं, उसी आधार पर मैंने ये भी कंपेयर किया। तो ये पूरी टीम की हमने आप लोगों को लिस्ट बता दिया, आपका इस टीम पर क्या कहना है, कौन सी टीम आपको मजबूत नजर आती है, केकेआर, सीएसके या फिर एसआरएच, कमेंट करके जरूर बताएं। और आईपीएल 2023 में लगातार हम इस तरीके की वीडियो आप लोगों तक बनाते रहेंगे, मुझे आप बताइए कि कौन सी टीम की आप और वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।